हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ इंडियन रसोई। आज हम महाशिवरात्रि के व्रत के लिए एक आसानी से बनने वाले और एकदम ही डिलीशियस साबूदाना गोटा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट से बनाना साबूदाना के गोटे। सबसे पहले हम साबूदाना को भिगोएंगे, तो उसके लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, 1/4 कप दही ली है जो कि ताज़ा और मीठा होना चाहिए, और 1/3 कप प्लस 1/4 कप पानी लिया है। तीनों चीज़ों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढककर 6-7 घंटे का रेस्ट देना है। 6-7 घंटे के बाद चेक करने पर आप देख सकते हैं कि साबूदाना एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से फूल गए हैं और सारा पानी और दही एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इस साबूदाना और दही के मिश्रण को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे और इसे 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए पल्स करेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। आप देख सकते हैं साबूदाना दरदरा पीस गया है, ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब हम साबूदाना के गोटे के मिश्रण को एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें 1/3 कप दरदरी पीसी हुई फीकी सींग डालेंगे, 1 मीडियम साइज का उबला हुआ और पिसा हुआ आलू डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट, 1/2 बड़ा चम्मच तिल, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच दरदरी पिसी हुई काली मिर्ची, 1/4 छोटी चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर लेना है। साबूदाना गोटे का मिक्सचर तैयार है। अब तेल वाला हाथ करके इस मिश्रण में से छोटे छोटे गोटे बना लेने हैं। इतने मिश्रण में से लगभग 16 से 17 गोटे तैयार होंगे। तलने के लिए तेल गरम करना है और फिर आंच धीमी कर देनी है और साबूदाना गोटे को तेल में डालेंगे और इसे 7 से 8 के बैच में तलेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पर। साबूदाना गोटे को बीच बीच में चलाते रहना है और इसे अच्छा गोल्डन कलर होने तक तलना है। एक बैच तलने में लगभग 3 से 4 मिनट लगती है और साबूदाना का अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। साबूदाना गोटा को तेल में से निकालकर हम एक पेपर नैपकिन पे ले लेंगे और बाकी के गोटे भी इसी तरह से तल के तैयार कर लेने हैं। तो इस महाशिवरात्रि एकदम आसानी से और अलग टेस्ट करने वाले साबूदाना गोटे जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।